अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो पलक की फोटो है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? पलक नहीं, निहारिका, वो मेरी बहन निहारिका थी। क्या? कम से कम अब तो आप लोग सब झूठ बोलना बंद करिए। आप सब जानते हैं कि पलक ही मेरी बहन निहारिका थी। दिन ब दिन मुझसे झूठ बोला गया। पलक कहना रही थी वो यूएस में रहती थी। पलक जाने से पहले अपना फोन यहीं छोड़ गई थी। कत्ल किया गया मेरे भरोसे का, मेरे प्यार का। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बहन निहारिका दी का कत्ल किया होगा। इसी खंजर से है ना? ऐसी बात नहीं है महक, मुझे नहीं पता था कि निहारिका तुम्हारी बहन, लेकिन जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया था, हमारी शादी हो चुकी थी, पर मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता टूटे। बस करिए, बस करिए अपना झूठ बोलना। अब मैं सच जान चुकी हूँ। महक, हम सब समझ रहे हैं तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन एक बार एक आंश की बात को तो समझो प्लीज। महक एकांश सच कह रहा है, वो वाकई मैं नहीं जानता था कि पलक तुम्हारी बहन है। अच्छा, तो फिर आप क्यों रोक रही थी मुझे पलक का चेहरा देखने से? क्यों उस दिन किचन पर आपने मुझ पर हमला करके वो एल्बम ले लिया? क्यों मेरा किडनैप करवाया? ताकि मैं ताका झाकी ना करूं, है ना? ताकि मैं सच जानने की कोशिश ही ना करूं। पता है मां, मेरा बचपन से सपना था कि मेरी दो माएं होंगी, एक वो जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी जो मेरे जीवन साथी को इस दुनिया में लेकर आई। मैंने कभी भी आप में और मेरी माँ में कोई फर्क नहीं समझा। हमेशा एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी सब बनने की कोशिश की, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, मुझे किडनैप करवाया, मुझे मारने की कोशिश की, मुझे पूरा यकीन है कि दीदी के साथ भी कुछ ऐसे ही किया होगा आपने, बल्कि उसको तो आपने मार ही दिया होगा। इस खंजर से है ना? पागल हो गई हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? मुझे खून ही बोल रही हो तुम महक? मुझे जो दिख रहा है उसी के तहत आपसे सवाल कर रही हूं। महक, तुम ये मत बोलो तुम मेरी माँ से बात कर रही हो। महक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुनीता आंटी से ऐसे बात करने की? एक पल के लिए अगर तुम मुझ पे भी इल्जाम लगा देती ना, मैं मान लेती, पर सुनीता आंटी कैसे किसी को मार सकती है? महक, तुमने माँ पर इल्जाम लगा कर ना बहुत बड़ी गलती की है, माफी मांगो माँ से अभी। बिल्कुल महक, तुम्हारी बहन कोई दूध की धूली नहीं थी। हमारे खिलाफ काफी षड्यंत्र रचे थे उसने,
एकांश और हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया है उसने। और आज महक तुम भी वही कर रही हो। तुमने एकांश को फंसाया है ताकि तुम अपनी बहन के अधूरे काम पूरे कर सको। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हें माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगो माँ से। माफी तो आप लोगों को मुझसे मांगनी चाहिए, क्योंकि गलत मेरे साथ हुआ है। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, बल्कि मैं अब ऐसा कुछ करूंगी जो सिर्फ मुझे पता है। बंद कर लिया उसने अपने आप को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एकांश, ये हुआ कैसे? मेरे इतना ध्यान देने के बावजूद ये बात बाहर आई कैसे? वो लड़की सच तक पहुंची कैसे? जिस इंसान ने आज तक एक चिट्ठी नहीं मारी, उसने बेलन उठाकर किसी के सर पे वार कर दिया, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ हमारा। क्यों एकांश, कौन है जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है? किस्मत, किस्मत मार। क्योंकि हमारे अलावा किसी को नहीं पता था कि महक की बहन पलक है। हमारी इतनी सारी साजिशें रचने के बाद ये बात बाहर आई। इतनी मुश्किल से ढूंढा था हमने निहारिका की बहन को। वहाँ है आपकी मन्नत का फूल। मन्नत मांगी थी मैंने। मुझे अपनी मन्नत के लिए कृष्ण कमल का फूल चाहिए। महक से जाकर मिले हम। मैं करूंगा महक से शादी। उसके खिलाफ साजिश रची, इतनी सारी चाले चली, यहाँ तक कि तेरी शादी करवा दी महक से। विक्रांत रास्ते में आया था, उसे भी रास्ते से हटा दिया। और ये सब करने का मकसद सिर्फ एक था, सब बर्बाद हो गए। कहा था ना तुमसे, महक जरूरत से ज्यादा होशियार है, हद से ज्यादा मुसीबत है। और वही हुआ ना। अब वो सोचती है कि निहारिका को मैंने मारा है और मुझे जेल भेजना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, करने दीजिए उसे जो करना है। मतलब ये कि हम जानते हैं कि उसका कोई कातिल नहीं है, क्योंकि निहारिका का जिंदा है। रानी दी इज स्मार्ट, रानी दी इज नॉट स्मार्ट, रानी दी इज। अब ये क्या बचकानी हरकत कर रही है तू त्रिशा? तो और क्या करूँगी? मुझे आज पता चला है कि पलक है महक की बहन निहारिका है। पर आप भी जीजू की तरह गुंगिया बहरी हो गई क्या? आपको कैसे कुछ भी नहीं पता चलता है? कैसे पता करती? उसका डीएनए टेस्ट कराती या उसका चेहरा पढ़ती? एक तो मुझे इतना निठल्ला हस्बैंड मिला है ना कि मैं क्या बताऊं। मुझे टेंशन इस बात की है कि अब महक क्या करेगी। और जब महक को आपके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा ही नहीं, तो वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। और जब ये बात सामने आ गई है कि निहारिका जिंदा है, तो अब हमें उसे ढूंढने के लिए और बड़ा जाल बिछाना होगा। मुझे यकीन है कि महक के नाम पर मॉल्स और प्रॉपर्टी होने की बात सुनकर वो अपने बिल से जरूर बाहर आएंगे। और जब उसे लगेगा कि प्रॉपर्टी उसके हाथ से जा रही है, तो वो अपना हक जताने के लिए यहां जरूर आएगी। ये बाजी हमने इसी मकसद से तो चली थी ना मां? नहीं एकांश, अगर ऐसा होना होता तो अब तक हो चुका होता। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसीलिए मुझे अब भी यही लगता है कि तुझे महक को मोहरा बनाना चाहिए। उसकी जान खतरे में डालेगा तो निहारिका अपने आप बाहर आएगी। ये आप क्या कह रही हैं मां? खेल खेलने को कह रही हूँ, सच में कुछ करने को नहीं। और इधर देख,
प्यार हो ही गया ना तुझे महक से? हाँ, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है मां, महक को मैं संभाल लूंगा। और रही बात निहारिका की, तो उसके लिए मैं ऐसा चक्रव्यूह तैयार करूंगा कि वो खुद ब खुद उसमें फंसती जाएगी। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।